जबरदस्त। हाँ वाव यार, कितने कमाल के ब्यूटीफुल गार्डन थे यार। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो साहब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं हमारा रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और ये वीडियो है मैसूर सिटी के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि ये सिटी तारीखी एतबार से भी काफ़ी मकबूल सिटी है और इस सिटी का जो कभी एक नवाब हुआ करता था उसका क्या नाम है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भी मैसूर का हुक्मरान हुआ करता था जिसे अंग्रेजों ने शहीद कर दिया था। और जिसकी ये एक क्या है ना, वो खूबसूरत बात थी कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी के शहर पे रिएक्शन देने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये शहर कितना ज्यादा खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाओ यार, जबरदस्त। हाँ वाओ यार, कितने कमाल के ब्यूटीफुल गार्डन थे यार, जबरदस्त। वाओ भाई, ये क्या चीज है, ये जो बिल्डिंग है काफी खूबसूरत बिल्डिंग लग रही है, ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नाउ सिटी, वाओ यार बहुत खूबसूरत सिटी है भाई। वाओ यार जबरदस्त, बहुत कुछ है। Nice. जी तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का रिएक्शन मैसूर सिटी पे।
जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया कि मैसूर सिटी का हुक्मरान टीपू सुल्तान हुआ करता था, जो कि एक बहादुर हुक्मरान था। आज भी अंग्रेज अपने बच्चों को टीपू सुल्तान के नाम से डराते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पे हमने रिएक्शन दिया और ये हमने देखा सिटी, और ये जानने की हमने कोशिश की थी कि ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। यकीन करें, मेरी तवक्कु से भी ज्यादा ये खूबसूरत है। खासकर इस शहर के जो पार्क्स वगैरह हैं वो काफी ज्यादा खूबसूरत है, और जहां तक मेरा ख्याल है कि ये शहर शायद पार्क्स की वजह से ज्यादा मशहूर है, क्योंकि ये काफी ज्यादा खूबसूरत है और पार्क तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और फ्रेंड्स, इसमें मतलब कोई और चीज मैंने खास नहीं देखी, इसके अलावा मैंने कुछ बिल्डिंग्स देखी है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। ऐसे लग रहा था जैसे ये तारीखी बिल्डिंग्स हैं, और उनके बारे में मैं जानना चाहूंगा। अगर कोई जानता है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो रिएक्शन है वो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं इस तरह के मजीद इंटरेस्टिंग रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।